मैं डॉक्टर मंजू मीना सह आचार्य पॉलिटिकल साइंस एम एस गर्ल्स कॉलेज। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आप लोगों को रस्तों के अनुसार राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई इससे संबंधित सिद्धांत के बारे में बताया। राज्य संबंधी सिद्धांत में राज्य की उत्पत्ति के संबंध में विचार मैंने आप लोगों को बताया। आज अपने लेंगे अरस्तु के अनुसार राज्य की विशेषताएं। अरस्तु राज्य की क्या क्या विशेषताएं जो है बताता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि अरस्तु ऐसा पहला यूनानी विचारक है जिसने राज्य से संबंधित, राज्य की उत्पत्ति से संबंधित, राज्य के विकास से संबंधित, उसके स्वरूप से संबंधित जो भी विचार प्रस्तुत किए वह व्यवस्थित विचार थे। तो अरस्तु के अनुसार राज्य की जो विशेषताएं हैं उसमें पहली जो विशेषता है कि राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। राज्य को किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी समय विशेष में या किसी समझौता विशेष के द्वारा इसको निर्मित नहीं किया गया है। जैसा कि सोफिस्ट विचारक मानते हैं कि राज्य एक कृत्रिम संस्था है या राज्य का निर्माण जो है समझौते के द्वारा किया गया है, जबकि अरस्तु ये कहता है कि राज्य एक स्वाभाविक संस्था है और राज्य को किसी भी व्यक्ति विशेष के द्वारा या किसी भी वर्ग विशेष के द्वारा एक निश्चित समय पर नहीं बनाया गया है, क्योंकि राज्य का जन्म मनुष्य की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और उसके सर्वांगीण विकास के लिए स्वाभाविक रूप से हुआ है। क्योंकि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और इसी कारण से वह समाज में रहता है और राजनीतिक प्राणी होने के कारण से राज्य जैसी संस्था की सदस्यता उसने ग्रहण कर रखी है। मानवीय जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं की पूर्ति जो है राज्य में ही संभव है। अगर कोई व्यक्ति राज्य में नहीं रहता है तो वह या तो देवता है या पशु है। मनुष्य जो है समाज से अलग नहीं रह सकता है और इसीलिए अरस्तु ये कहता है कि राज्य एक स्वाभाविक संस्था है, उसका एक निश्चित रूप से क्रमिक रूप से उसका विकास हुआ है, जिसके लिए कि अरस्तु कहता है कि सबसे पहले जो है परिवार, परिवार के बाद कुल, कुल के बाद ग्राम, फिर नगर और फिर राज्य। इस प्रकार से जो है राज्य ने अपनी आज की स्थिति को प्राप्त किया है। दूसरी जो विशेषता है अरस्तु के अनुसार राज्य की वह यह है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है। राज्य जो है व्यक्तियों से पहले जो है निर्मित हुआ है। लेकिन इसमें अरस्तु का तात्पर्य यह नहीं था कि ऐतिहासिक दृष्टि से राज्य का जन्म पहले हुआ। उसका आशय मानसिक या मनोवैज्ञानिक दृष्टि से राज्य का जन्म पहले ही हो चुका है, क्योंकि पूर्णता जो है पहले आती है किसी भी चीज की और उसके अंग जो है वह बाद में आते हैं। अंग इसलिए राज्य व्यक्ति से पूर्ववर्ती है। इसके अंतर हम ये भी कह सकते हैं कि मनुष्य के बौद्धिक विकास की पूर्ण कल्पना के रूप में राज्य का जन्म व्यक्ति, परिवार और ग्राम के अस्तित्व में आने से पहले ही हो चुका था। अर्थात समय की दृष्टि से परिवार पहले, परंतु प्रकृति की दृष्टि से राज्य पहले है। तो राज्य जो है व्यक्ति से पूर्व का संगठन है। राज्य प्रकृति की रचना है जो कि अपने आप जो है आज की स्थिति को उसने प्राप्त किया है, और व्यक्ति जो है राज्य से पृथक रह करके आत्मनिर्भर जो है नहीं रह सकता है, और इसीलिए व्यक्ति को राज्य जैसी संस्था की आवश्यकता है। तीसरी राज्य की जो विशेषता अरस्तु ने बताई है वह ये है कि राज्य सर्वोच्च समुदाय है। जैसा कि अरस्तु कहता है कि राज्य केवल समुदायों का समुदाय नहीं है, वरन राज्य सर्वोच्च समुदाय है। अर्थात राज्य में अनेक प्रकार के संगठन होते हैं, जिसमें सामाजिक संगठन, आर्थिक संगठन, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, ये सारे के सारे संगठन जो है
व्यक्ति से संबंधित एक एक पक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक एक पक्ष को विकसित करने के या उनके विकास में सहायता देने का कार्य करते हैं। जैसे सामाजिक संगठन व्यक्ति के सामाजिक पक्ष को विकसित करता है, धार्मिक संगठन जो है व्यक्ति के धार्मिक विकास के लिए कार्य करता है, इसी प्रकार से अन्य सभी संगठन जो है व्यक्ति के एक एक पक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनके विकास का कार्य करते हैं। लेकिन राज्य एकमात्र ऐसा संगठन है जो व्यक्ति से संबंधित सभी पक्षों के विकास का कार्य जो है करते हैं, अर्थात व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास का जो कार्य है वह राज्य के द्वारा ही किया जाता है। और इसीलिए राज्य को समुदायों का समुदाय कहा जाता है, क्योंकि अन्य सभी संगठन जो है वह अपने कार्य को सही ढंग से कर सकें इसके लिए उनको सुविधाएं उपलब्ध करवाने का जो कार्य है राज्य के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि राज्य के पास में कानून की शक्ति होती है और उसी के आधार पर वह समाज में शांति और व्यवस्था को बना करके रख सकता है। और शांति और व्यवस्था की स्थिति में ही व्यक्ति अपने सभी पक्षों का विकास जो है कर सकते हैं। तो राज्य एकमात्र ऐसी संस्था है जो व्यक्ति से संबंधित सभी पक्षों के विकास के कार्य करती है, अर्थात व्यक्ति का जो सर्वांगीण विकास है, व्यक्ति का जो सर्वोपरि विकास है, वो राज्य के माध्यम से ही संभव है, क्योंकि वही व्यक्तियों को ऐसी परिस्थितियां, ऐसे अवसर प्रदान करता है जिससे व्यक्तियों का जीवन शुभ और सुखी हो सके। और इस प्रकार जीवन की प्राप्ति राज्य के सदस्यों के रूप में ही कर सकते हैं। समुदायों या संस्थाओं के सदस्य के रूप में व्यक्ति अपनी इन आवश्यकताओं की पूर्ति जो है नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए अरस्तु ने कहा है कि ये राज्य सर्वोच्च समुदाय है। नेक्स्ट जो विशेषता अरस्तु ने बताई है वह ये कि राज्य का स्वरूप जैविक है। जैविक सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण के बहुत से अंग होते हैं और प्रत्येक अंग का अपना अपना कार्य होता है, लेकिन उन अंगों का महत्व तभी तक है जब तक कि वह उस स्वरूप से जुड़े हुए हैं, उनका उस स्वरूप से अलग होकर के या उस संपूर्ण से अलग होकर के उनका कोई भी अस्तित्व नहीं है। मतलब कि जितने भी समुदाय हैं उन सभी समुदायों का महत्व तभी तक है, उन संगठनों का महत्व तभी तक है जब तक कि वह उस स्वरूप से जुड़े हुए हैं। तो अरस्तु ने राज्य की तुलना शरीर और व्यक्ति की तुलना हाथ जैसे अंग से की है, और अरस्तु के अनुसार राज्य और व्यक्ति में वही संबंध है जो शरीर और हाथ अर्थात शरीर और उसके अंगों का होता है। जिस प्रकार शरीर के किसी एक अंग में अत्यधिक वृद्धि होने से समस्त शरीर का संतुलन जो है वह बिगड़ सकता है, उसी प्रकार से राज्य के किसी एक तत्व में अत्यधिक वृद्धि होने से उस राज्य के स्थायित्व में भी खतरा बढ़ सकता है। तो इस प्रकार से अरस्तु ये बताने की कोशिश कर रहा है कि राज्य का स्वरूप जो है जैविक है। नेक्स्ट जो है, राज्य एक आत्मनिर्भर संगठन है। अरस्तु के अनुसार राज्य की यह भी एक प्रमुख विशेषता है उसका आत्मनिर्भर होना। और आत्मनिर्भरता से आशय क्या है कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करना। मतलब कि आत्मनिर्भरता के लिए यूनानी एक शब्द है आतर किया, और जिसका अर्थ होता है पूर्ण निर्भरता। और पूर्ण निर्भरता की स्थिति में ही हम व्यक्ति जो है अपनी भौतिक समस्याओं का समाधान करता है, उसे जो अच्छा और सुखी संपन्न जीवन व्यतीत करने में सहायता देता है, मतलब कि ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करता है जिससे कि व्यक्ति की शारीरिक मानसिक और नैतिक विकास जो है संभव हो सके। और सामान्यतः आत्मनिर्भरता का अर्थ जो है बारकर के अनुसार हम जो लेते हैं वह ये है कि राज्य में ऐसे भौतिक साधनों और ऐसी नैतिक प्रेरणाओं और भावनाओं की उपस्थिति जो किसी प्रकार की बाह्य भौतिक या नैतिक सहायता पर निर्भर हुए बिना पूर्ण मानव विकास को संभव बनाए। तो अरस्तु ये मान करके चल रहा है कि राज्य एक आत्मनिर्भर संगठन है और उसी में रह करके ही व्यक्ति जो है आत्मनिर्भरता को प्राप्त कर सकते हैं, अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति जो है उसमें संभव बना सकते हैं।
नेक्स्ट जो विशेषता अरस्तु ने बताई है वो ये है कि नगर राज्य सर्वाधिक श्रेष्ठ राजनीतिक संगठन है, क्योंकि अरस्तु के समय में छोटे छोटे नगर राज्य थे और वह सभी नगर राज्य जो है आत्मनिर्भर थे, उनका किसी दूसरे नगर राज्य से किसी भी तरीके का कोई भी संबंध जो है वो नहीं होता था। यद्यपि अरस्तु ने अपने समय में इन छोटे छोटे नगर राज्यों का अंत जो है होते हुए देखा था, उनको एक साम्राज्य में परिवर्तित होते हुए उसने देखा था, लेकिन अरस्तु ने उन साम्राज्यों के संबंध में अपने कोई भी विचार प्रस्तुत नहीं किया। उसका जो आदर्श राज्य का जो चित्रण है वो एक नगर राज्य के रूप में है, और अरस्तु का जो नगर राज्य है समस्त विज्ञान कला गुणों और पूर्णता में एक साझेदारी है। तो अरस्तु के समय में जो है नगर राज्य जो है वह सर्वाधिक श्रेष्ठ राजनीतिक संगठन जो है थे। नेक्स्ट जो अरस्तु ने बताई है वह ये है कि राज्य विविधता में एकता है। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में एकता पर विशेष बल दिया और संपूर्ण राज्य को एक परिवार के रूप में वो स्थापित करना चाहता था, किंतु अरस्तु ने प्लेटो की एकता संबंधी जो विचारधारा थी उसे सहमति जाहिर नहीं की। उसने राज्य की चरम एकता पर ही बल नहीं दिया बल्कि राज्य की विविधता में जो एकता है उसका उसने समर्थन किया, और उसका ये मानना था कि इनका जो निर्माण है विभिन्न तत्वों के मिलने से हुआ है। जैसे कि मधुर संगीत की जो सृष्टि है वो विभिन्न रागों और तालों के समन्वय से होती है, उसी प्रकार आदर्श राज्य का जो निर्माण है उसके विभिन्न अंगों में उचित सामंजस्य और संगठन के आधार पर ही हम अपने कार्यों को सही प्रकार से संपादित कर सकते हैं। मतलब कि राज्य तो स्वभाव से ही बहुआयामी होता है। अरस्तु ऐसा मानता है कि राज्य स्वभाव से ही बहुआयामी होता है और एकता की ओर अधिकाधिक बढ़ना तो राज्य का विनाश करना मात्र है। मतलब कि सभी चीजों में हम जो एकता स्थापित कर देंगे उससे राज्य का विकास संभव नहीं होगा बल्कि उसका विनाश जो है वो संभव हो सकता है। नेक्स्ट में अरस्तु ये बताता है कि राज्य एक क्रमिक विकास है। जिस प्रकार से राज्य की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न सारे सिद्धांत हैं, जिसमें कि हम धार्मिक सिद्धांत, शक्ति शक्ति सिद्धांत है, रक्त संबंध सिद्धांत है, या सामाजिक समझौता सिद्धांत को लेते हैं, विकासवादी सिद्धांत को लेते हैं, उन सभी सिद्धांतों में से अरस्तु जो है विकासवादी सिद्धांत का समर्थन करता है। सॉरी, और अरस्तु ये कहता है कि राज्य का क्रमिक रूप से विकास हुआ है। यकायक राज्य ने अपने आज की स्थिति को प्राप्त नहीं कर लिया है। जिस प्रकार से बच्चा जो है एकदम से बड़ा नहीं होता है, उसी प्रकार से राज्य भी एकदम से हम लोगों के सामने नहीं आया बल्कि धीरे धीरे उसका विकास जो है सावयव जीवधारी के समान जो है उसका विकास हुआ है। जैसे सबसे पहले जो है परिवार, फिर कुल, फिर ग्राम, फिर नगर, इस तरीके से राज्य का जो है धीरे धीरे विकास हुआ है और अंत में उसने पूर्ण रूप से विकसित हो जाने पर राज्य जैसी स्थिति को या राज्य के रूप में उसने अपने आप को स्थापित किया है। नेक्स्ट में हम लेते हैं कि अरस्तु के अनुसार जो है कि संविधान ही राज्य की पहचान है। संविधानों पर अरस्तु ने अत्यधिक बल दिया और उसका ये मानना था कि संविधान में अगर परिवर्तन हो जाता है तो वो राज्य में परिवर्तन करने के समाव। यद्यपि हम अरस्तु के इस विचार से सहमति नहीं रखते हैं, राज्य संविधान ये सब जो है अलग अलग चीजें हैं और संविधान में परिवर्तन होने से राज्य में किसी तरह का कोई भी परिवर्तन जो है वो नहीं होता है, लेकिन संविधानों को अत्यधिक महत्वपूर्ण मानने के कारण से इस तरह के विचार जो है अरस्तु के द्वारा प्रस्तुत किए गए। नेक्स्ट जो है राज्य और शासन में भेद। अरस्तु जो है राज्य और शासन में स्पष्ट भेद करता है। जहाँ राज्य समस्त नागरिकों और गैर नागरिकों का समूह है, वहाँ शासन उन नागरिकों का समूह है जिनके हाथ में सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति होती है। ठीक है, और अरस्तु लिखता है कि शासन में परिवर्तन तो उसी समय आ जाता है जब शासकों को अपदस्त कर दिया जाता है, जबकि हम ये मान करके चलते हैं कि राज्य शासन और संविधान ये तीनों अलग अलग चीजें हैं, ये कोई पर्यायवाची शब्द नहीं है। आज हम इतना ही देंगे,
नेक्स्ट अपने अगली क्लास में लेंगे। धन्यवाद।